वेलकम बैक एवरीवन इन क्लास फिफ्थ यूनिट नंबर 4 ऑपरेशंस विद लार्ज नंबर्स इज गोइंग ऑन एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4C. इन लास्ट वीडियो वी डिड मल्टीप्लाई क्वेश्चन, टुडे वी विल डू डिवाइड क्वेश्चन. डिवाइड के क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसमें हम जो डिवाइड करेंगे बड़े नंबर्स की डिवाइड करेंगे, लार्ज नंबर्स हैं इसमें. ओके, तो 96 की से हमें डिवाइड करना है 7488 को. ओके, तो सबसे पहले हमें 96 का टेबल देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखें 74 आपका छोटा है, तो हम क्या लेना पड़ेगा, हमें 8 और लेना पड़ेगा इसके साथ. ये आपका क्या बन जाएगा, 748. तो हमें 96 का टेबल ऐसे लेना है कि 748 के पास तक आ जाए. ओके, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो हमें ये गैस करना पड़ेगा कि कहाँ तक हो रहा है. ओके, तो आप मल्टीप्लाई करके ही आप चेक कर सकते हैं. सबसे पहले मैं 96 को 6 टाइम करके देखता हूँ कितना आ रहा है. 96 को अगर मैं 6 टाइम करूँ तो कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 9 जा 54, प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 57. ये अभी कम हो रहा है. इसको 96 को मैं 7 टाइम करके देखता हूँ कितना आ रहा है. इसको अगर मैं 7 टाइम करूँ तो कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 4 आपका कैरी हो जाएगा. 7 9 जा कितने होते हैं, 63, प्लस 4 कितना हो जाएगा, 67. 672 आ रहा है 7 टाइम. ओके, इसको 8 टाइम और करके देखते हैं हम. 96 को अगर मैं 8 टाइम करूँ तो कितना आ जाएगा, 8 6 जा कितने होते हैं, 48, कैरी 4. 8 टाइम जा कितने होते हैं, 72 प्लस 4 768 आ जाएगा हमारा आंसर 8 टाइम. ओके, हमें कितना चाहिए, देखो 768 तो ज़्यादा हो रहा है 8 टाइम में. यहाँ पर कितना है, 748. तो हम क्या लेंगे, मैक्सिमम 7 टाइम लेंगे. कितना हो रहा है, 672. तो आप लिखेंगे ऊपर 7 टाइम कितना हो रहा है हमारा, 672. इसको लेंगे हम, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा. 4 में से नहीं कर सकते, 7 से बोरो लेंगे, 14 में जाएगा. 14 में जो 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा. अब इस 8 को आप नीचे लिखेंगे, ये कितना बन जाएगा आपका, 768. आप देखो 96 से जब हम डिवाइड करेंगे, देखो हमने 8 से करके देखा था अभी, तो कितना आ रहा है हमारा, 768. तो ये आपका 8 टाइम चला जाएगा पूरा पूरा. 96 8 जा होते हैं 768. ये हमने डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, 768 आ चुका है. तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0. इसका मतलब हमारा 78 क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका क्यूसेंट हो जाएगा और ये 0 आपका रिमाइंडर होगा. ओके, ये आपकी डिवाइड थोड़ी सी बड़े नंबर्स की है, लेकिन आपको ये ऐसे ही मल्टीप्लाई करके चेक करके देखना पड़ेगा कि हमारा कितने टाइम जा रहा है. ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट. अब हमें सबसे पहले 6238 को डिवाइड करना है 28 से. तो हमें सबसे पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. 28 से आपको डिवाइड करना है किसको, 6238 को. अब देखो यहाँ पर लार्ज नंबर्स में हमें डिवाइड करना है. अब देखो 28 का टेबल तो हमें आता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें सारे जितने भी आपके टेबल यूज़ होंगे वो आपको खुद को बनाने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करने पड़ेंगे. तो 28 वन जा 28 होते हैं, ये हमें पता है. देखो 62 बड़ा नंबर है 28 से, तो हमें 28 का टेबल ऐसे लेना है कि 62 के पास आ जाए, और इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए या तो पूरा पूरा जाना चाहिए. तो देखते हैं अब 28 टू जा कितने होते हैं, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 56 आ जाएगा. ओके, अब देखो 28 के ऊपर मैं 3 टाइम करूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा. 3 8 जा कितने होते हैं, 24, कैरी 2, 3 2 जा 6,
प्लस टू कितना हो जाएगा, 84 आ जाएगा आपका। देखो 84 बड़ा नंबर है 62 से, तो मैक्सिमम हम टू टाइम ले सकते हैं, वो हो रहा है हमारा 56। तो आप लिख दीजिए टू टाइम 56। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 से लेंगे बोरो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 को करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 बचा हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट नंबर लेंगे हमारा 63 हो रहा है, फिर से हमारा टू टाइम ही जाएगा मैक्सिमम 56, क्योंकि थ्री टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर से टू टाइम लिख दीजिए आप इसको 56, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 30 में 6 को करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट नंबर लीजिए, अब हो गया आपका ये 8 लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 78। फिर से देखो टू टाइम ही जाएगा मैक्सिमम, थ्री टाइम करेंगे तो 84 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको फिर से हम टू टाइम ही लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। अब देखिए 22 आपका 28 से छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 222। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, अब फिर से बड़ा नंबर आ गया है, हमें डिवाइड करना है 96 से। सबसे पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में आप लिखिए, 96 से हमें डिवाइड करना है, 0752। देखो 96 के लिए सबसे पहले 31 छोटा नंबर है, तो इस जीरो को लेंगे, ये आपका बन जाएगा 310। अब आपको 96 का टेबल ऐसे लेना है 310th के पास आ जाए या पूरा पूरा चला जाए या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 96 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम कितना हो रहा है, टू टाइम करते हैं फिर थ्री टाइम करेंगे। ओके, तो इसको सबसे पहले हम करते हैं थ्री टाइम करके देखते हैं, 96 की 3 से करो आप, 36 जा कितने होते हैं 18, कैरी 1, 39 जा कितने होते हैं 27, प्लस 1 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 288 आ गया है। देखो अगर आप इसको 4 टाइम करेंगे तो 310 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैक्सिमम हम इसको 3 टाइम ही कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको 3 टाइम लिख दीजिए कितना आ रहा है हमारा 288। ओके, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे आपका कितना हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 से लेंगे ये क्या बन जाएगा, ये फिर से आपका 10 बन जाएगा, 10 में से जब 8 को करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, फिर 7 को लेंगे हम, ये आपका बन जाएगा 227। अब देखो हमने अभी 3 टाइम किया है, 3 टाइम कितना आ रहा है 288, जो 227 से बड़ा नंबर है। इसका मतलब हम 3 टाइम तो नहीं कर सकते, इससे कम टाइम में करेंगे। तो 96 की आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 टाइम कर सकते हैं हम, 26 जा कितने होते हैं 12, कैरी 1, 29 जा 18, प्लस 1 कितना हो जाएगा 192। 2 टाइम कीजिए आप इसको, आपका आंसर आ जाएगा 192। फिर से सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 से लेंगे बोलो कितना बन जाएगा 12, 12 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे आपका आ जाएगा 3, पीछे 0 हो जाएगा, इस 5 को लेंगे, अब आपका बन गया है 355। तो आपको 96 का टेबल करना है 355 में। देखो 3 टाइम हमारा कितना आ रहा है 288, इसमें अगर आप 96 को अब 4 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम 3 टाइम ही कर सकते हैं। देखो मैं करके देखता हूँ, 46 जा कितने होते हैं 24, कैरी 2, 49 जा कितने होते हैं 36, प्लस 2 कितना हो जाएगा 38, 384 आ रहा है, तो जो बड़ा नंबर है 355 से, तो हम मैक्सिमम 3 टाइम ही ले सकते हैं। कितना है हमारा 3 टाइम है हमारा 288। अब सब्ट्रैक्ट करा दीजिए कितना बन जाएगा, 15 में जब 8 को करेंगे तो 7, यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 3 से लेना पड़ेगा बोरो, कितना बन जाएगा 14, 14 में जब 8 को कराएंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब 67 आपका ये इस टाइम सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा है, फिर इसको 2 को आप लेंगे, अब ये क्या बन जाएगा आपका 672। ओके, अब आप इसको करके देखिए,
देखो आप 96 की मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं 7 से कितना आ रहा है। अब ये बड़ा नंबर हो चुका है, 7 6 जा कितने होते हैं 42, कैरी आ जाएंगे 4, 7 9 जा कितने होते हैं 63, प्लस 4 कितना हो जाएगा 67। देखो ये 7 टाइम जा रहा है पूरा पूरा, ये 7 टाइम करने पे आपका 672 आ रहा है, तो ये कितने टाइम जाएगा आपका 7 टाइम 672। ये पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 0, और आपका ये आंसर क्वेश्चन कितना हो जाएगा 3237 आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके सारे क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं, आपको डिवाइड करके ही देखने पड़ेंगे। ओके चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। ओके अब देखिए हमें डिवाइड करना है 562,580 को 545 से। देखो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को बड़े ही नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखिए। आप 545 से हमें डिवाइड करना है 562580। देखो 545 थ्री डिजिट का नंबर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है हमारा 562। ओके इन थ्री डिजिट को आपको लेना पड़ेगा, ये आपका बन जाएगा 562। तो इसको देखो हम वन टाइम कर सकते हैं, टू टाइम ज़्यादा हो जाएगा। देखो वन टाइम हम लिख सकते हैं 545 बन जा होते हैं 545। ओके अब आप इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, 6 से बोरो लेंगे 12 बन जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 को लेंगे तो 1 आ जाएगा, अब यहाँ पे 5 में से 5 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 बचा। इसके बाद आप इस 5 को लेंगे, अब देखो आपने जब 5 लिया तो ये छोटा हो रहा है 545 से, तो अभी भी हमारा कम है, तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट डिजिट और लेनी पड़ेगी हमें, ये 8। जब 8 लेंगे तो आपका बन जाएगा 1758, जो 545 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक रूल पता होगा, जब ऊपर से हम टू डिजिट एक साथ लेते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर ज़ीरो लगाते हैं, क्यों? क्योंकि छोटा हो जाता है, यहाँ पर एक ज़ीरो हमें लगानी पड़ेगी। अब आपको 545 का टेबल ऐसे लेना है जो यहाँ तक आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम करके देखते हैं थ्री टाइम कितना हो रहा है हमारा 545 को हम थ्री टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12, प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 का 3 आ जाएगा कैरी 1, 3 5 जा 15, प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। ओके अब देखो 1635 आपका आ रहा है ये थ्री टाइम, अगर इसको हम फोर टाइम करेंगे तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा 1758 से, तो मैक्सिमम हम थ्री टाइम ही कर सकते हैं। आप लिख दीजिए यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 1635, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 में से 3 को करेंगे तो 2, 7 में से 6 को करेंगे तो 1, अब ये 0 बचा है, इस 0 को आप नोट कर लीजिए। ओके जब आपने इस 0 को नोट किया, अब देखो यहाँ पर हम 3 टाइम देखो ज़्यादा हो रहा है, तो इसको 2 टाइम करके देखते हैं आपका क्या हो रहा है, 2 टाइम कीजिए आप, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 4 जा 8, प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 2 5 जा 10, तो कितना आ रहा है 1090 आ रहा है आपका, कितने टाइम 2 टाइम। अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 से लेंगे 13 हो जाएगा, 9 से करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखो 140 आ रहा है हमारा रिमाइंडर, जो 545 से कम है, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ओके ये 1032 आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये टेबल हमको आते नहीं है, बड़े नंबर हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे ही चेक कर सकते हैं, ऐसे ही चेक करते चले जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो यहाँ पर हमें 10,000 से डिवाइड करना है इसे। ओके तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कीजिए, देखो कितने नंबर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 ही लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक लेके जाना है। ओके, तो इसको आप वन टाइम ही कर दीजिए, 10,000 वन जा 10,000। अब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ये 0 हो जाएगा। ओके, अब आप लेंगे 6 को, यहाँ पर आपका क्या बन गया, 23,456 आपका बन गया है। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 टाइम करके देखेंगे, 2 टाइम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10,000, 2 जो होते हैं 20,000, क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ये पीछे 0 हो जाएगा। अब आप 7 को लीजिए, ओके, अभी 34,567 बन गया है। अब आप इसको 3 टाइम कर दीजिए, तो 3 टाइम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 30,000, सबट्रैक्ट करा दीजिए 7 6 5 4। अब आप इसको नोट कर दीजिए, आपका क्या हो जाए, 8 को नोट कीजिए, अब क्या बन गया आपका है, 45,678। तो इसको आप 4 टाइम कर दीजिए, जब आप 4 टाइम करेंगे कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा, ये 8 7 6 5। ओके, अब आपका क्या बचा, ये 5,678 बचा है, जो 10,000 से कम है। ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और ये आपका क्यूसेंट हो जाएगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके जो भी क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको ऐसे ही डिवाइड करके देखना पड़ेगा, वो आप अपनी रफ नोटबुक पे कीजिएगा। यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।